हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ स्पीति रोड ट्रिप। अब हम जा रहे हैं लांगजा विलेज से कॉमिक विलेज, जो यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कॉमिक विलेज है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड। वहां पर मोनेस्ट्री विजिट करके वहां से जाएंगे हिक्किम विलेज, जहां पर कि वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो चलिए मेरे साथ मंजिल से पहले इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करते हैं। ये देखिए, इस टाइम अगर हम सीधा जाते हैं तो कॉमिक जाएंगे, और इस साइड जाते हैं तो हम हिक्किम चले जाएंगे। हम जा रहे हैं कॉमिक, और कॉमिक यहाँ से 11 किलोमीटर है। और ये देखिए, ये वाला रास्ता यहाँ से हिक्किम के लिए जा रहे हैं। और व्यूज एक बार देख लीजिए यहाँ से, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पर। पानी पीते रहिए, हर 5-10 मिनट में आपका शरीर बिल्कुल व्हाइट पड़ रहा है यहाँ पर। और अब लग रहा है कि हाँ, जैकेट सब सही लेकर आए। तो चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी तेज हवाएं। तो चलिए फिर कॉमिक चलते हैं, वहीं चलकर मैं आपको मिलती हूँ। इस टाइम हम खड़े हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक में। मोटरेबल विलेज इसका मतलब आप यहाँ गाड़ी से आ सकते हैं। ये देखिए, हम होंडा सिटी से यहाँ तक आ गए हैं, तो आप भी किसी भी गाड़ी से आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए, सामने एक रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा पेट पूजा कर लीजिए। A few moments later. ये देखिए, इतनी हाइट पर भी यहाँ पर खेती हो रही है। यहाँ हल जोतते हैं याक से। यहाँ पर मेल याक है, उसे बोलते हैं जोमो, और फीमेल याक को बोलते हैं डीमो। तो चलिए, यहाँ एक मोनेस्ट्री भी है, ओल्ड और न्यू, उसको देखते हैं, विजिट करते हैं। हम है इस टाइम कॉमिक में तंगयुंग मोनेस्ट्रीज के सामने। यहाँ दो मोनेस्ट्रीज हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये है न्यू मोनेस्ट्री यहाँ की, जो अभी भी बन रही है। कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव है इस पर, वाइब्स बहुत पॉजिटिव। और मेरे राइट साइड में अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। और ये जो सामने है, ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। ये 800 साल पुरानी है। यहाँ पर दो फ्लोर्स बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर थेंका पेंटिंग्स है, और एक जगह है जहाँ लामा जी मेडिटेट करते हैं। और उससे ऊपर वाले फ्लोर्स पर वॉल पेंटिंग्स हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और साथ में व्यूज यहाँ के काफी खूबसूरत है, तो एक बार उन्हें भी आप मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मिलूंगी हिक्किम में। चलिए तो फिर चलते हैं हिक्किम की तरफ।
भूमिक से इक्किम की तरफ जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए रोकी है। बहुत ही सुंदर व्यू है, सामने से सनलाइट पड़ रही है। पता नहीं मेरे कैमरे में ये व्यूज कैप्चर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है ये। वाओ, जस्ट वाओ। ये सामने दो कलर माउंटेन्स के, व्हाइट ब्राउन और नीचे वो ग्रीन कलर, मतलब मेरा इस टाइम दिल कर रहा है कि मैं आधा एक घंटा बैठूं यहाँ पर और बस इंजॉय करूं। ठंड तो लग रही है लेकिन दिल नहीं कर रहा है। जन्नत वाले हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए जो सामने के आपको ये माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आइडिया लग रहा है कि कभी यहाँ पानी होगा, क्योंकि इनकी शेप वैसी नहीं है जैसे माउंटेन्स की होती है। क्योंकि यहाँ पे 33 ओशन था जो टाइम के साथ गायब हो गया, तो उससे आइडिया लग रहा है कि हाँ यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी का कलर भी अलग है और शेप भी अलग है, तभी यहाँ पे मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं। व्यूज तो व्यूज ही है हर जगह, उनका कोई मुकाबला नहीं। पर ये वाली शेप भी बहुत अच्छी लग रही है। पर कैसे एक, मतलब इस टाइम यहाँ पर ओशंस थे और आज यहाँ पर माउंटेन्स है, टाइम कैसे चेंज करता है। लेकिन ये सब चीज हजारों साल में होती है, धीरे धीरे हजारों साल में मैरीन लाइफ मैरीन फोसिल्स में चेंज हुई। फिर काफी टाइम बाद जब यहाँ पे उन्होंने खुदाई करी, उन्हें मैरीन फोसिल्स मिले, तो ये हजारों टाइम की प्रोसेस है। चलिए चलते हैं, क्योंकि बोलते समय भी मेरी सांस चढ़ जाती है, मुंह से वर्ड्स भी कुछ के कुछ निकलते हैं। लेकिन मतलब यहाँ एक डेढ़ घंटा बैठ कर देखना बनता है, इसलिए अब समझ में आया क्यों सब पहाड़ों में काफी दिन रहते हैं। कि आप ऐसी जगह आए, दो दिन यहाँ रहो, सामने वो आपको जो दिख रहा होगा वो लांगजा गांव है, वहां पर स्टे करो, बीच बीच में अलग अलग जगह आकर बैठो। लेकिन ये सब नेचर लवर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ब्यूटी है, ब्यूटी एंड ब्यूटी। चलिए अब इक्किम चलते हैं, लेट हो रहे हैं हमें इस टाइम इक्किम में, और हमने यहाँ से पोस्ट कार्ड ले लिए और अब हम इन्हें पोस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए नीचे पोस्ट करने चलते हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और उधर हमारा लेटर बॉक्स है जो हम पहले टाइम में यूज करते थे। हमारे बच्चों ने तो शायद ये देखा भी नहीं होगा। आगे से होगा रास्ता, वहां से चले जाऊं, लेकिन बड़ा रिस्की सा है। एक मिनट, हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ स्टैंप लगेगी इनके ऊपर। नहीं, आपका नहीं, नहीं, नहीं। हमने यहाँ पर स्टैंप लगवा लिए हैं, 5 रुपीज पर पोस्ट कार्ड। अगर आप लिफाफे में दिलवाते हैं तो 10 रुपीज। और अब हम इन्हें जा रहे हैं लेटर बॉक्स में। चलिए हमने वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से अपने पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं काजा, और कल हम आपको नई ट्रिप पे फिर से मिलते हैं। तब तक बाय बाय।